कधी काही शांत सुरक्षित असलेलं काश्मीर पुढे मात्र अशांत अस्थिर असुरक्षित असं झालं काही दशकांचा हा कालावधी आहे आणि या दशकांमध्ये जे जे काही घडलं त्याचे साक्षीदार आज अनेक लोक आहेत आणि त्यांच्यापैकीच काही मंडई काही बंधू भगिनी माझ्यासोबत आहेत जे पुण्यात गेले काही वर्षे वास्तव्य करत आहेत काश्मीरी पंडित म्हणून आपण सुरुवातीला ज्यांना ओळखत होतो आज सगळे आपण एकच आहोत भारतवासी आहोत काश्मीरत पुनः रायला आ सगे लोग आहोत सर हम बात कर रहे थे धारा तीन सौ सत्तर की जिसके बारे में एक निर्णय हुआ है ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है हम सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे मेरा नाम संजय कौल है पिछले तीस वर्षों से मैं पूना में रह रहा हूँ पाँच अगस्त दो जिसको कि स्वर्ण अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा सत्तर सालों में जो काम नहीं हुआ पहले तो हमें लगा था शायद सिर्फ पैंतीस ए के साथ छेड़छाड़ होगी मगर मोदी जी की सरकार ने धारा तीन सौ सत्तर हटाने के बाद में कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ जोड़ा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज हम ये कह सकते हैं कि भारत एक है तो हमें बहुत ही खुशी है और आशा की एक किरण हमें ये दिख रही है कि शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारी घर वापसी होगी तो सत्तर साल हुए इसके लिए सत्तर साल लगे हैं और ये डिसीजन ये दिन आने के लिए आप क्या कहेंगे मिक्स फीलिंग था एक तो ये था कि तीस साल पहले जब हम वहाँ से निकले बहुत दर्दनाक यू नो हालात में हम वहाँ से निकले बहुत पीड़ा थी जब हम वहाँ से निकले अपना घर छोड़ के आना कोई आसान बात नहीं जो पीढ़ी उस समय चालीस साल की थी वो हम तो छोटे बच्चे थे उस समय वो आजकल कल सत्तर साल की हो गई है हम भी अब चालीस पैंतालीस साल के हो रहे हैं हमारे बच्चे को मालूम नहीं कश्मीर क्या है तो बहुत कुछ खोया हमने तीन सौ सत्तर क्या बोलते हैं हटाया गया हमें अंदर अलग ही उमंग पैदा हो गई हमें लगता है इससे हम घर वापस जा सकते हैं इसमें कश्मीर में भी खुशहाली आ जाएगी आपका जो तीन रीजन है जैसे जम्मू लद्दाख उसमें भी डेवलपमेंट होगा इनका सपना था कि, इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि भारत में दो प्रधान और क्या बोलते हैं दो, दो, न, दो निशान नहीं चलेंगे वो बिल्कुल सत्य हो गया तो अब भारत बिल्कुल एक हो गया तो बहुत खुशी है वैसे तो सारे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है और स्वाभाविक तौर पे आपको भी खुशी है आप अभी बात हमारी चल रही थी कि एक दौर था कि काफी कुछ हमें सहना पड़ा है और उस दौर में आप यहाँ पे आए और आपको बाला साहब ठाकरे नाम के एक हम, <laughs> हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं सबसे पहला जो प्रदेश था वो था महाराष्ट्र जहाँ पर हमारे बच्चों के लिए रिजर्वेशन दिया गया जिसमें जो जितने भी एक परसेंट दो परसेंट था जिसे हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग सीट मिली उसके बाद और भी स्टेट्स आए लेकिन सबसे पहले जो थे वो बाला ठाकरे थे और हम उनका आज की खुशी में हम उनको भूल नहीं सकते हैं और जो हमारे बुजुर्ग है जो इतने दिनों में चले गए जो सांप के काटने से मर गए जो गर्मियों में मर गए उनको हम पानी भी डालते थे न अंतिम समय में वो बोलते थे हमें पानी नहीं चाहिए हमें हमारे घर ले चलो शायद आज उनको वो घर का सपना पूरा दिखेगा वो हम भूल नहीं सकते हमारे साथ क्या हो हमारे बच्चों ने क्या क्या सहा है एक ही चीज़ हमारे बच्चों को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बंदूक हाथ में नहीं उठाई उन्होंने पेन हाथ में उठाए जैसा कि हमने उनको सिखाया कोई भी बच्चा आप कश्मीरी पंडित देखोगे आप उसको गलत रास्ते पर देख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे संस्कार हमारी ऋषिभूमि से आए हैं हमारी कश्मीर कश्यप ऋषि से आए हैं कश्यप भूमि से आए हैं इसलिए हम उनको गलत तो सिखा ही नहीं सकते हैं और वो भी हम उन्होंने भी हम हमारा आदर किया उन्होंने भी हमारा सर हमेशा ऊंचा रखा और आज के दिन हमारे बच्चे कहाँ कहाँ नहीं हैं किस किस पोस्ट पर नहीं हैं जिसका हमें हमेशा गर्व रहेगा और जहाँ भी वो है वो हमसे जुड़े हुए हैं हमने अपनी भाषा नहीं छोड़ी अपने अपने संस्कार नहीं छोड़े हमने अपने खान पान नहीं छोड़ा हमने हमसे कश्मीर छुड़वाया गया हमने कश्मीर छोड़ा नहीं लेकिन बाकी चीज़ें हमसे कोई छुड़वा नहीं सकता है वो तो हमारे रग रग में बसा हुआ वो तो हमारे खून में बसा हुआ है हमारा पुनर्जन्म हुआ है हमारा राम जी को सिर्फ चौदह वर्ष बनवास मिला था हमें तीस साल लगे उस वनवास में रहते हुए आ, आज की जो पीढ़ी है खास करके युवक वर्ग आप अब आप क्या आपको क्या लगता है कैसे ये जो जैसे दीदी ने बताया कि एक इतिहास था तो उसे इतिहास में रहने बेहतर रहेगा या फिर हमें आगे चलना है जो अब 370 हटने के बाद अब आप देखेंगे कि भारत कश्मीर में अब आया है वर्षों से एक एक फॉल फॉल्स नैरेटिव पेश किया गया कि वहाँ का जो दारा 370 है ये एक पर्मानंट कॉन्स्टिटेंट जो आर्टिकल है कि ये पर्मनेंट आर्टिकल है इसके अंतर्गत जो पिछले सत्तर साल से कश्मीर में एक एक खास समाज का एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको हम कह सकते हैं उनका जो एक सुप्रेमेसी रही कश्मीर में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर के सामाजिक जीवन में वहाँ की आर्थिक जीवन में जो भी उनका एक ख़ास मैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट चलिए मैं बताऊँ कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक सोच जो थी वो एक इस्लामिक सुप्रेमेसी हमेशा रही है कश्मीर में और उसका कारण एक ही था वो धारा तीन थी धारा तीन को बचाया गया सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से इसको बचाया गया इसको रखा गया और हमें ये बचपन से पढ़ाया गया कि यह एक परमानेंट आर्टिकल uh, है अब आप आज देख लीजिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की वजह एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक दिन में आप समझ सकते हैं दोनों पार्लियामेंट्स में ये पास होता है और धारा तीन एक दिन में डेर हो जाती है और सत्तर वर्षों से हम इसका दंश झेल रहे हैं तो ये ये जो ये जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी ये जो कुछ घरानों की पॉलिटिक्स थी धारा तीन जो वहाँ पर रखा था उसको उठाया है हम इस जो भी ये डिसीशन हुआ है इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं स्वागत करते हैं फ्यूचर में क्या होगा अब वो तो अभी नहीं कह सकता हूँ मगर हमें उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में अभी जो जो तीस साल से बाहर है जो तीस साल से विस्थापन में है अब सरकार का अगला जो कदम होना चाहिए वो तीस इन कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे किस प्रकार से वापस बसाया जाए किस प्रकार से उनका पुनर्वसन हो उसकी भी मुझे उम्मीद है अमित शाह जी उनके बारे में सोच रहे होंगे और ज़रूर उसके बारे में देखेंगे क्या होता है आज जब इस इस तरह का निर्णय होता है धारा तीन सौ सत्तर हटाई जाती है उसके बाद भी कई तरह की रिएक्शन आती है और विरोध करने वाले आज भी विरोध करते हैं उनका कहना यह है कि वहाँ की जो संस्कृति है कश्मीरी संस्कृति है खास वैली की संस्कृति है उसके ऊपर अभी आक्रमण होगा तो उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे देखिए दारा 370 का पहले हम अभिनंदन करते हैं गवर्नमेंट का मोदी जी का और अमित शाह जी का ये है कि वहाँ पर अभी डेवलपमेंट तो होगी इतना तो यकीन है मेरे को एक सेक्शन एक सेक्शन ऐसा है कि जो हाँ जो इस तरह के हमेशा अभी अपोज जो कर लेंगे जिनको अभी उन्होंने नज़रबंद करके रखा है जो कश्मीर में पिछले कुछ समय से राज कर रहे थे उनकी दुकानें बंद हो गई क्योंकि वो वहाँ के जो जनता थी उनको कुछ भी कह के बहका के कुछ भी उनसे कराते थे हिंदुस्तान से भी पैसा लेते थे पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे अपनी दुकानें चलाते थे आज सबसे बड़ा नुकसान सबसे बड़ा झटका वहाँ पर जो फैमिली पॉलिटिक्स चला रहे थे उनकी दुकानें बंद हो गई वही अपोज़ करेंगे जो एक आम आदमी है वो अपोज नहीं करेगा क्यों वो चाहता है कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाए वो चाहता है हमको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिले बट ये अब आ, सरकार उन पर्टिकुलर फैमिलीज को कैसे मैनेज करे कैसे हैंडल करे ताकि उनकी दुकान वापस ना खुले और, और साथ में कुछ बुद्धिजीवी है।, है कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ बुद्धिजीवी कुछ एनजीओ है जैसे अमित शाह ने बात इस पर बोलता हूँ ये जो कल्चरल इन्वेजन की आपने बात की ना मिलिटेंसी की जड़ ही वही है आप समझ रहे हो मिलिटेंसी की जड़ ही वही है कि कश्मीर में आप बाहर के लोगों को आने ना दें वहाँ पे पिछले तीस साल में जो जो एक सूफी इस्लाम था उसको वहाबी इस्लाम में कन्वर्ट किया गया एक इस्लामाइजेशन किया उस छोटी सी स्टी उस, उस एरिया का तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाहर के लोगों की हवा यहाँ पर आ जाए क्योंकि उसी में से तो पनपता है टेररिज्म उसी में से तो पनपता है आतंकवाद तो वो अपोज़ ज़रूर करेंगे उसमें कोई शक नहीं है उसको हैंडल करना मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उस पर सोचती होगी और वो ज़रूर उसको हैंडल कर लेंगे आप यहाँ आने के बाद भी वहाँ पे कुछ शांति प्रस्तापित हुई ऐसा तो नहीं हुआ है वहाँ पे हरदम कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती रहती है तो ये सारा जो नुकसान है इसकी और आप कैसे देखते हैं इसका नुकसान तो हमेशा लोकल जो एवरेज इंसान है उस पर ही पड़ता है क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अपना काम करते हैं वो तो अपनी जेबें गर्म करते हैं पर जो लोकल इंसान है जो नॉर्मल इंसान है जिसको हैंड टू माउथ है उनको परेशानी होती है तो उनको थोड़ा सा पैसा दे के वो लोग गलत काम करवाते थे अभी अगर हमारा ये दायरा हट गया तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो वो जो क्रिएटिव थिंग्स की ओर जाएगा और जो वो अभी तक गलत काम कर रहे हैं वो लोग वो छोड़ेंगे और वो सही रास्ता अपनाएंगे तो ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं जो कश्मीर के छोड़े हुए लोग हैं उनके लिए हेल्प नहीं हो जाएगी बट जो लोग वहाँ पे हैं जो लोकल्स हैं वहाँ पे उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी उसकी वजह से आपके ऊपर किस तरह के संस्कार है कि आप यहाँ इस मकाम पर हाँ पहुँचा ये आपके मन में ये देखिए जब मैं कश्मीर से निकला मैं दस साल का था तो आप समझ सकते हैं उस समय मेरे पे क्या बीती क्या सब सहना पड़ा लेकिन आज के दिन मुझे खुशी इस बात की है कि सब ठीक हो रहा है ये नहीं कि बदला कोई बदला मिल रहा है बट इस बात की खुशी है कि आगे सब अच्छा होगा ये पहला कोई कदम ऐसा है जिससे लग रहा है कि वापस नॉर्मल सी आ सकती है तीस साल तक तो ऐसा लग रहा था समय रुक गया है जो चल रहा था वो दोबारा रिपीट हो रहा था हर सरकार एक ही चीज़ एक ही बात दोबारा रिपीट कर रही थी महिलाएं पुरुष बच्चे सबको लेकर यहाँ एक तरह से भागना पड़ा ऐसी मुसीबत थी ऐसा दौर था और ऐसे में आपने किस तरह से इस संघर्ष किया किस तरह से आप तगे रहे एक एजुकेशन जो थी वो बताया इन्होंने वो मेन जो हमारे को हमारे पुरखों से विरासत में मिली थी वो मेन हथियार था कश्मीरी पंडितों का जिस जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है आगे बहुत तरक्की कर पाई है बाक़ी ये इसका असर अभी दो तीन साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कश्मीर में ये जो 370 जो हटा दिया है तीन चार साल में आप देखिए पूरा चेंज हो जाएगा वहाँ पे एक बात ऐसी आ रही कि जो वचन हमने उन कश्मीरियों को दिया था फिर राजा हरि सिंह को दिया था वो वचन हमने तोड़ दिया है नहीं ऐसा कुछ तो था नहीं कि मतलब हमने कोई वचन दिया ऐसा कोई तो था नहीं अगर आप ये देखेंगे ये जो देन 370 की है ये तो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की देन है हमारा ये जो ये है ना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ नाइनटीन ये आपका 370 कब लागू हुआ आपका पैंतीस कब लागू हुआ अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद ये एम जेट लागू नहीं हुआ ये तो बेसिकली कांग्रेस डायनेस्टी ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू उनकी देन है उनकी और जो हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था उनकी जो आपस में दोस्ती है उसका यह ना उसका ये ना भुगतना पड़ा पूरे देश को भुगतना पड़ा क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी आज़ादी के टाइम पे उस समय कश्मीर में शेख अब्दुल्ला क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे तो हरी सिंह जी तो यही सोच रहे थे भाई भारत में तो हम क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेज़ों के विरोध में कह रहे हैं तो ये शेख महमूद अब्दुल्ला जी क्या किसके अगेंस्ट ये क्विट कश्मीर मूवमेंट करा रहे हैं तो उस मूवमेंट के कारण ही भी जब हमारे ये प्रधानमंत्री जी उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू जी आ, कश्मीर आए थे तो उनको नज़रबंद किया गया था तो ये रंजिश तब से चालू है ऐसा कुछ है नहीं कि उनने कुछ वादा किया था ये ना हमारा जो हिस्ट्री है थोड़ा डिस्टॉर्ट की गई थी सही हिस्ट्री हमारे सामने नहीं ला गई थी हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तीन एक दिन में टूट जाएगा ये भ्रम हमारे ना हमारे मंतिश में या ऐसे पिछले सत्तर साल में ऐसा था कि ये हो ही नहीं सकता था मतलब ये ऐसी चीज़ें जो प्रोक्लेट किए गई है पिछले सत्तर सालों में जो इनके हित में थी कि भाई ये आपके ये हरी सिंह ने कुछ वादा किया था हम उसको तोड़ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है सरते शिवटी मैं ताई कड़े एना बराच वे धला हमें का बोलता हो थे तो तु ऐक तुझा जन्म पुण्य धला मात्र काश्मीर विषय घर काही का बोल जो निर्णय आया नर जे का घड़ल तेजन तुला खूब आनंद होता का मगे कारण होते संगशील Um, मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे कि आप कहाँ से हो और मैं हमेशा बोलती थी कश्मीर से पर मुझे एक दुख होता था कि मैं कभी कश्मीर गई नहीं हूँ उधर कभी मैंने देखा नहीं है और मैं जब पापा को पूछती थी कि मुझे कश्मीर जाना है वो हमेशा बोलते थे कि अभी नहीं नेक्स्ट टाइम जाएंगे और जब मैंने कल पापा को देखा बहुत खुश होते हुए और जब मैंने उनको पूछा कि अब हम कश्मीर जा सकते हैं क्या उन्होंने कहा कि हम कश्मीर जाएंगे और तुम्हारी एक्चुअल जगह देखेंगे तो नेक्स्ट टाईम आया आहे नाही का तर या सगळ्यांच्या काय भावना आहेत हे आपण आता जाणून घेतलं आहे त्यांच्या आशा काय आहेत हे देखील आपल्याला कळलं आहे आपण अपेक्षा करूयात या सगळ्यांच्या आशा लवकरात लवकर पूर्णत्वाला याव्यात व्हिडिओ नितीन सांडमोरचं सा अरुण मेहत्रे झी मीडिया पुणे